तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिल रही है झारखंड सरकार की तरफ से। यहाँ देख सकते हैं झारखंड में राशन कार्ड पर 25 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा। जी हाँ फिर यहाँ सारा जानकारी दिया गया है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य के राशन कार्ड धारी को दोपहिया चालकों को 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल भरवाने पर प्रति लीटर 25 रुपया देने का ऐलान किया है। एक गरीब परिवार को प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपया डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में दिए जाएंगे। सीएम सोरेन ने अपनी सरकार को दूसरी पूर्व वर्षगांठ के मराहाबादी में आयोजित मुख्य समारोह में यह घोषणा की है। राज्य में 59 लाख अधिक राशन कार्ड धारकों हैं। राज्यपाल रमेश बेतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई चंद पर पहुंची गई, इसका बुरा असर गरीब एवं माध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। गरीब व्यक्ति महंगे पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल या स्कूटर होने पर भी उसको चलान नहीं पा रहा है, वही फसल बेचने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, ऐसे में लोग आधा लीटर पेट्रोल में कोरोसिन मिलाकर वाहन चला रहे, इससे उनको वाहन खराब नहीं हो। ये फ्रेंड इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ देख सकते हैं दोपहिया चालकों को 26 जनवरी से मिलेगी रियायत। गरीब परिवार को प्रतिमाह 10 लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपये सस्ता है, यानी अगर आप 10 लीटर लेते हैं, 10 लीटर से ऊपर नहीं कहा गया है, 10 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर पर 25 रुपये सस्ता दिया जाएगा। सारा जानकारी इसमें बताया गया। तो वीडियो को लाइक कर दिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त।